और इसके साथ साथ देखिए प्रधानमंत्री के काफिले की तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले आपको देखिए दूर से प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो अब रवाना हो रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला जो है सामने से हट जाइए, सामने से प्लीज, नहीं तो आगे आना पड़ेगा हम लोग को, प्लीज सामने से हट जाइए। हाँ देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये एक तस्वीर है जयपुर एयरपोर्ट की जहां से रवाना हो रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो जयपुर एयरपोर्ट से रवाना जो है वो हो रहा है और सीधे भाजपा कार्यालय की ओर रवाना होगा जहां पर प्रधानमंत्री बैठकों में भाग लेंगे। और जैसा सवाल आपने किया डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का, तो देखिए रविंद्र डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। पूरे दिन भर के जितने सेशन होंगे उसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और उन सेशंस में मौजूद रहने के साथ साथ ही वो अनौपचारिक चर्चाएं जो होंगी उनमें भी भाग लेंगे। आप समझ सकते हैं देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री कितना गंभीर है। गृहमंत्री अमित शाह उनके साथ में मौजूद रहेंगे और अभी क्लीयरेंस लिया जा रहा है, रूट क्लीयरेंस, और उसके बाद में प्रधानमंत्री के जो पायलट व्हीकल्स हैं और जो एस्कॉर्ट व्हीकल्स हैं जयपुर पुलिस का वो निकलेगा और उसके बाद में यहां से जो है प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो यहां से रवाना होगा कुछ ही देर के अंदर। और भाई साहब पीछे हट जाओ, वो डिप्टी साहब थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हट जाओ। तो देखिए ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की पहली तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट की। ये पहली तस्वीर जो है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट पर जो इंतजाम किए गए थे उसके मुताबिक जो हालांकि कोहरा देखिए आपको कोहरा नजर आ रहा है और कोहरे से ही इस वजह से देखिए प्लेन को आने में भी थोड़ी देरी हुई है। प्रधानमंत्री के काफिले की तस्वीर है, एसपीजी के व्हीकल्स आना शुरू हो गए हैं और प्रधानमंत्री के जो वाहन है वो जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वाहन में मौजूद हैं और ये रवाना हो गए। प्रधानमंत्री का काफिला रवाना हो रहा है जयपुर एयरपोर्ट के लिए। भैया साइड में हो जाइए सब इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा सा साइड में हो जाओ यार, भैया यार प्लीज यार। एपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक लेंगे जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो बेहद खास आज का दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए भी है क्योंकि पहला मौका है जब बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। मिशन 2024 को लेकर खास चर्चा की जाएगी और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिम्मेदारियां भी आज बांटी जा सकती हैं। साथ ही साथ कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है जयपुर। ये काफिले की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर विमान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और अब उनका काफिला आगे बढ़ते हुए ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर सुरक्षा को लेकर भी बेहद खास इंतजाम किए गए हैं, जहां पर रूट डायवर्जन भी किया गया है। साथ ही साथ कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे जहां से बैठक की शुरुआत होगी और इसके बाद डीजीपी आईजी की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आंतरिक सुरक्षा पर खास चर्चा करेंगे। लवली लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली ये दौरा बड़ा ही अहम है क्योंकि पहला मौका है जब 3 दिनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचे हैं और वहां पर रहेंगे और कई खास बैठकें भी। देखिए बिल्कुल 3 दिनों का प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम रहने वाला है। पूर्व में ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में प्रायोजित थी, ऐसा प्लान किया जा रहा था कि दिल्ली में रखी जाएगी लेकिन अब इस कॉन्फ्रेंस को जयपुर में किया गया है आयोजित और जयपुर में ही आज इस कॉन्फ्रेंस की जो शुरुआत डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है और डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के साथ साथ ही जो है वो इस कॉन्फ्रेंस के अलावा मोदी ने कार्यक्रम बनाया कि क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली जाए। 2024 का चुनाव सर पर है तो मोदी ने खुद कमान संभाली है, प्रधानमंत्री ने खुद कमान संभाली है तो 24 के चुनाव के मद्देनजर आज ये दौरा भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन जो है, आज की जो शाम है वो भारतीय जनता पार्टी के नाम है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, विधायकों के साथ में, जो ग्राउंड पर काम करने वाली प्रदेश कार्य समिति के जो सदस्य उनके साथ में आज प्रधानमंत्री मंथन चिंतन करने जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, उनकी बात को सुना जाएगा और उसके बाद में प्रधानमंत्री जो है वो राजभवन पहुंचेंगे। कल डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के अंदर भाग लेंगे। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है जिसमें बड़ी तादाद में जो है वो लोग, जो तमाम जो डीजी हैं अलग अलग राज्यों के जो डीजी हैं वो पहुंचे हुए हैं, डीजीआईजी पहुंचे हुए हैं और डीजीआईजी के साथ में मंथन होगा, चिंतन होगा और मंथन चिंतन के साथ साथ ही वहां पर जो एजेंडा हमने दिखाया हमारे दर्शकों को, किन एजेंडों पर जो चर्चा